नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। देश आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस पर कोरोना महामारी का साया भी नजर आएगा। कोरोना महामारी के कारण इस बार कई चीजों की कटौती की गई है, लेकिन इन सब के बावजूद गणतंत्र दिवस का जश्न शानदार होगा। इस बार 5 दशकों में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा। इससे पहले 1966 में गणतंत्र दिवस समारोह में कोई चीफ गेस्ट नहीं था। इस बार राजपथ पर देश के सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू विमान रफाल का फ्लाई पास्ट होगा। राजपथ पर देश की पहली महिला पायलट वायुसेना की झांकी में दिखाई देंगी, तो राजपथ पर राम मंदिर की झांकी भी दिखाई देगी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने 72वें गणतंत्र दिवस के जश्न को मना रहा है। और इस दौरान राजपथ पर देश की आन बान और शान की झांकियां दिखाई देंगी। हिंद की सेना का शौर्य नजर आएगा। लेकिन जिस कोरोना महामारी ने देश ही नहीं पूरी दुनिया पर अपना असर डाला है, गणतंत्र दिवस समारोहों में भी उस कोरोना का असर दिखाई देगा। इस बार गणतंत्र दिवस समारोहों में बहुत सी ऐसी चीजें नजर नहीं आएंगी जिन्हें आज से पहले आप हर साल इस समारोह में देखते थे, लेकिन फिर भी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। राजपथ पर इस साल उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर नजर आएगा। इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी में प्राचीन शहर अयोध्या की धरोहर, भव्य राम मंदिर की प्रतिकृति, दीपोत्सव की झलक और पौराणिक ग्रंथ रामायण की विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। झांकी के आगे वाले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की एक प्रतिमा विराजमान होगी और इसके पीछे मंदिर का प्रारूप मौजूद रहेगा। राजपथ पर इस बार परेड में जवानों की चुस्ती फुर्ती, रौब और सधी चाल में तो कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए परेड में जवान मास्क के साथ नजर आएंगे। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में महिला शक्ति का नया रूप दिखाई देगा। इंडियन एयरफोर्स की महिला फाइटर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में एयरफोर्स की झांकी का हिस्सा होंगी। गणतंत्र दिवस की परेड में कैप्टन प्रीति चौधरी अपग्रेडेड छिलका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की कमान संभालेंगी। इसे पहली बार परेड में दिखाया जा रहा है। चंडीगढ़ की आर्मी एयर डिफेंस की कैप्टन प्रीति चौधरी इस साल गणतंत्र दिवस परेड में नेतृत्व करने वाली एकमात्र महिला सेना अधिकारी। परेड में आप मेरा इक्विपमेंट राजपथ पे देखेंगे, अपग्रेडेड छिलका वेपन सिस्टम जो कि फर्स्ट टाइम राजपथ पे मार्च करने वाला है, तो उसको लीड करने वाली हूँ मैं इस बार। इस बार भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में बांग्लादेश की आर्मी भी नजर आएगी। 1971 युद्ध की गोल्डन जुबली मनाने के लिए बांग्लादेश आर्मी का एक दस्ता भी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो। जब ये दस्ता मार्च करते हुए सलामी मंच के पास पहुंचेगा, तो इसके ऊपर एयरफोर्स का विंटेज एयरक्राफ्ट डकोटा उड़ान भरता दिखाई देगा और उसके दोनों तरफ MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे खास होगी रफाल की गर्जना। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए रफाल लड़ाकू विमान इस साल फ्लाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। राजपथ पर इस बार कुल 42 एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करेंगे, जिनमें 2 रफाल भी शामिल होंगे। राजपथ पर ये रफाल की गणतंत्र को सलामी होगी, तो देश की आन बान और शान के झांकी के साथ आप भी गणतंत्र का उत्सव मनाइए और हिंद की सेना पर गर्व कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिमी। देश आज धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मनाएगा। हालांकि तस्वीर इस बार थोड़ी जरूर अलग होगी, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस बार नहीं देखने को मिलेंगी आपको। सीधे रुख कर लेते हैं और ज्यादा डिटेल्स के लिए रवि त्रिपाठी मेरे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए। रवि, चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच आज देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। चलिए रवि के पास हम फिर से लौटेंगे, लेकिन फिर से हम आपको बता रहे हैं हर, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां कोरोना महामारी के बाद, और ऐसे में गणतंत्र दिवस
कई सारी बदली हुई तस्वीरों के साथ आपको दिखाई देगा। राजपथ पर आज आपको अलग तस्वीरें दिखाई देंगी, जो झांकियां होंगी मनमोहक, उसमें राम मंदिर की एक झलक भी देखने को मिलेगी। सीधे रुक कर लेते हैं एक बार फिर से, रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, हम बात कर रहे थे कि बहुत सारी चुनौतियां होंगी, लेकिन इन चुनौतियों के बाद भी पूरी तैयारियों के साथ गणतंत्र दिवस मनाने को तैयार पूरा देश। बिल्कुल, आप सही बात कह रही हैं कि बड़ी चुनौती है, क्योंकि चुनौती इसलिए है कि किसानों की तरफ से ट्रैक्टर परेड की बात की गई है, और मैं अभी जहां खड़ा हूं बीचों बीच है राजपथ से, और अगर बात करें यूपी बॉर्डर की तो उसके बीचों बीच खड़ा हूं अक्षरधाम मंदिर के आसपास। थोड़ी ही दूर पर यहाँ किसान होंगे जो 12 बजे के बाद ट्रैक्टर परेड करेंगे, और उससे पहले सुबह आपको नौजवानों का परेड दिखेगा, जिसमें तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगी। सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, कोरोना के दौर में जहां 1.25 लाख के आसपास लोग बुलाए जाते थे, इस बार 25,000 के आसपास ही दर्शक होंगे। उसके अलावा लड़ाकू विमान राफेल को लोग देख पाएंगे इस बार, उसका जो परेड में शामिल होगा वायुसेना के, तो जब गर्जना भरेगा राफेल तो सबको देखना, सब लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि 23 तारीख को जो ठीक है रवि, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, फिर से हम आपके पास आएंगे जैसे ही वो ठीक होती है। लेकिन रवि जिससे जानकारी दे रहे थे कि देखिए किसानों का भी आज उनकी भी परेड है, लेकिन 12 बजे के बाद जब गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होगी तो उसके बाद उनकी परेड शुरू होगी, तो वो भी एक बड़ी चुनौती, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा आज रहने वाला है। लेकिन इन तमाम तैयारियों के साथ आज गणतंत्र दिवस देश मना रहा है 72वां, और अब से थोड़ी देर बाद आप वो तस्वीरें देखेंगे जिन्हें देखने का इंतजार हम सभी को होता है गणतंत्र दिवस के समारोह पर। लेकिन इस बार कोरोना का साया नजर आएगा, कोरोना का असर दर्शकों की तादाद से लेकर उन झांकियों और सैनिकों के दस्ते पर भी आपको उनकी संख्या में नजर आएगा। इस बार दर्शकों को अपने ज्यादा सबसे ज्यादा पसंद आने वाला मोटरसाइकिल स्टंट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा बहादुर बच्चे भी इस बार परेड का हिस्सा नहीं होंगे। देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर कोरोना महामारी ने असर डाला है, और यही वजह है कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोहों में बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा। पिछले 5 दशकों में ऐसा पहली बार होगा जब गणतंत्र दिवस की परेड में कोई विदेशी मेहमान मौजूद नहीं होगा। इससे पहले सन 1966 में गणतंत्र दिवस परेड में कोई विदेशी मेहमान शामिल नहीं हो सका था, जब 11 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अचानक हुए निधन के बाद 24 जनवरी को इंदिरा गांधी ने पीएम पद की शपथ ली थी। इसके अलावा सन 1952 और 1953 में भी भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भारत के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनना था, उन्होंने स्वीकृति भी दे दी थी, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना की वजह से बोरिस जॉनसन समारोह में शामिल नहीं हो पाए। इस बार कटौती दर्शकों की संख्या में भी दिखाई देगी। इस बार कोरोना महामारी के कारण गणतंत्र दिवस समारोह में काफी कम लोगों को परेड देखने का मौका मिलेगा। इस बार सिर्फ 25,000 लोगों को ही आने की अनुमति दी गई है, जबकि पिछले साल करीब 1.5 लाख दर्शक परेड देखने गए थे। इस बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में कोरोना वायरस महामारी के कारण झांकियों की संख्या में भी कमी की गई है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार गणतंत्र दिवस परेड का आकार भी कम किया गया है। मार्च करने वाले सैन्य दस्तों की संख्या 144 से घटाकर 96 कर दी गई है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार कुल 32 झांकियां होंगी, जिनमें से 17 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से होंगी। इसके साथ ही 9 झांकियां विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी होंगी। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते सैनिक परेड के दौरान मास्क पहने नजर आएंगे। गणतंत्र दिवस परेड और झांकियों के रास्ते में भी बदलाव किया गया है। इस बार परेड सिर्फ नेशनल स्टेडियम तक जाएगी, इससे पहले परेड लाल किले तक जाती थी। इस बार सिर्फ झांकियां ही लाल किले तक जा पाएंगी। इस साल परेड में शामिल होने वाले बहादुर बच्चों के मार्च को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। कोरोना महामारी के कारण 63 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री से इन बच्चों का संवाद भी वर्चुअल होगा।
26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर होने वाली परेड में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले मोटरसाइकिल स्टंट इस साल देखने को नहीं मिलेंगे। इस साल कोरोना महामारी के कारण शारीरिक दूरी का नियम बरकरार रखने के लिए मोटरसाइकिल स्टंट शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद राजपथ पर गणतंत्र का जश्न जोरदार होगा, जो आपको हिंद की सेना की ताकत और भारत की संस्कृति की झांकी दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश की आन बान और शान का ये पर्व जिसे आज पूरा देश मनाएगा बहुत सारी अलग तस्वीरों के साथ। रवि त्रिपाठी लगातार मेरे साथ है। रवि, एक बार बताइए जरा दर्शकों के लिए कि कैसे तस्वीर अलग होगी हर साल की तरह इस बार। कितने तक एंट्री है सर? रवि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए रवि से हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां पर आपको फिर से एक बार बता रहे हैं कि कोरोना महामारी का साया जरूर इस बार दिखेगा, चाहे वो दर्शकों की संख्या पर हो, चाहे वो जवानों की संख्या पर हो। जो स्टंट, मोटरसाइकिल स्टंट आप हर बार राजपथ पर देखते थे, वो भी आपको इस बार देखने के लिए नहीं मिलेगा। मुख्य अतिथि जो हर साल होते हैं, वो भी इस बार इस गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल नहीं होंगे। तो बहुत सारी अलग तस्वीरों के साथ आज देश गणतंत्र दिवस का ये पर्व मनाने जा रहा है, लेकिन एक चुनौती बहुत बड़ी यहां पर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, क्योंकि किसान आंदोलन के तहत आज किसान भी ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं। और ये ट्रैक्टर परेड जो है, हालांकि गणतंत्र दिवस समारोह के बाद शुरू होगा, तो उसे भी लेकर बहुत सारी तैयारियां जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता की गई। तो गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां, तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं लगातार, लेकिन अब आपको बताते हैं कि संविधान जब नहीं था, संविधान के बगैर ये देश कैसे चल रहा था। आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए संविधान के बगैर देश कैसे चला। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रभाव में लाया गया, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इस्तेमाल में लाया गया। इसके अलावा ब्रिटिश संसद में पारित सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेज था संविधान की जगह, तात्कालिक रूप से इस्तेमाल किया गया था इसे। राष्ट्रपति की जगह उस वक्त गवर्नर जनरल का पद बरकरार था, राष्ट्रपति के समान अधिकार हालांकि नहीं सौंपे गए। आजादी के बाद संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके बाद 9 दिसंबर 1947 से संविधान सभा ने काम करना शुरू किया। 26 जनवरी 1950 वो दिन जब भारत का संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का जो पद था वो खत्म हो गया। सर्वोच्च सत्ता राष्ट्रपति के हाथों में निहित की गई। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।